आज हम लोग चल रहे हैं अक्षरधाम टेंपल। मैंने सुना है कि वो वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर है हिंदू टेंपल्स में, और एक काफ़ी बड़ा टेंपल माना जाता है अक्षरधाम टेंपल। सो चलिए देखते हैं, ये भी व्लॉग आज मज़ेदार होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय प्रीवियस व्लॉग, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो अच्छा लगा देख के। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आगे बढ़े तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अक्षरधाम टेंपल से रिलेटेड, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो टेंपल है, इसको 5 साल में ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बना दिया गया था। ये टेंपल रिवर यमुना के किनारे है एंड इसका जो एरिया है वो 100 एकर्स का है। टेंपल कभी घूमने आना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट मंडे किसी भी दिन आ सकते हैं, मंडे को ये क्लोज रहता है। मैं यहाँ पे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं कि अक्षरधाम टेंपल दिखता है। तो वो सामने देखिए आप, अक्षरधाम टेंपल काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। आई कांट वेट टू गो देयर। चलिए देखते हैं वहाँ पे कि कैसा क्या रहता है सिस्टम। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उम्मीद है कि बहुत बढ़िया वहाँ पे सब चीज़ें होंगी बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यार मोबाइल फोन वगैरह ले जा नहीं सकते हैं, कैमराज वगैरह नॉट अलाउड। तो अभी तक देखते हैं क्या होता है। और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं इसको आपको दिखाना ज़रूर चाहता था। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे भीड़ है, कितनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। चलिए देखते हैं अगर जो कुछ अलाउ होता है फोन या कैमरा वगैरह, तो देखते हैं क्या होता है। राहत रही कि यहाँ अंदर जाके मुझे फ़ोटो एल्बम मिल गया है जो कि इस एनवेलप में है, और प्लस एक वीडियो भी है इसमें है जिसमें कि अक्षरधाम का सारा जो आर्किटेक्चर है वो देखा जा सकता है। इसलिए मैंने इसे परचेज भी कर लिया ताकि मैं वीडियो को कंपाइल कर सकूं, क्योंकि अगर जो मैं यहाँ की चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगर जो फ़ोटो वगैरह नहीं कंपाइल कर पा रहा हूँ ब्लॉग्स में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि एट लास्ट आई एम थैंकफुल कि मुझे चलिए कुछ पिक्स तो मिल गई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये पिक्स मैं लगाऊंगा इसमें, और आई मस्ट से कि टेंपल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको अंदर कैमरा वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ उनका कुछ है जो वो लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो उसके जरिए आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। दो तीन स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे फोटो आप खिंचा सकते हैं। तो यही है कि मैंने वो फोटोज़ वगैरह भी खिंचाई हैं, तो सब मैं अपने इसी व्लॉग में कंपाइल करूँगा, आपको दिखाऊँगा। आप देखना कि कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है, कि आई मस्ट से कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।